मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम न्यूरोथेरेपी की क्लास में हैं और हम सीखेंगे डायग्नोस्टिक पॉइंट। न्यूरोथेरेपी में हम कैसे डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करके हम कैसे उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं और बीमारी को क्योर कर सकते हैं। आइए आज हम सीखेंगे न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस्टिक पॉइंट। न्यूरोथेरेपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर न्यूरोथेरेपी चलती है या हम कहें कि ये न्यूरोथेरेपी का बेस है। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि हम बॉडी में कैसे डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो हमारा ये गले वाला एरिया है ये हमारा थायराइड ग्लैंड है और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी थाइमस ग्लैंड है। फिर हम आते हैं यहां पर, ये रिब्स है और रिब्स के बीच में ये जो सेंटर पॉइंट है जहां वी शेप बनती है ये होता है पैनक्रियास। इसके बाद इधर देखेंगे रिब्स के इस वाले भाग पर ये होता है स्प्लीन पॉइंट और राइट साइड होता है गॉल ब्लैडर पॉइंट। पैनक्रियास से थोड़ा सा नीचे अगर हम बात करें तो ये होता है गैस ओनली पॉइंट, ये सोलर प्लेक्सस वाला एरिया है। ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये सोलर प्लेक्सस एरिया है। इसके बाद आता है गैस आई, थोड़ा सा गैस ओनली से नीचे देखेंगे गैस आई, ये सोलर प्लेक्सस वाले एरिया में ही आते हैं। इसके बाद हम राइट साइड में देखते हैं डिसेंट्री और लेफ्ट में कॉन्स्टिपेशन। नाभि से थोड़ा सा साइड में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड म्यूकस आता है और ये होता है लीवर पॉइंट। नाभि से थोड़ा सा ऊपर की साइड में अगर हम जाने तो ये जो पॉइंट है ये लीवर पॉइंट है। नाभि से थोड़ा सा नीचे की ओर देखते हैं जो लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है यहां होता है डब्ल्यूडी पॉइंट। नाभि से नीचे की साइड और डब्ल्यूडी से थोड़ा सा ऊपर की साइड देखिए तो ये होता है राइट ओवरी और इधर होता है लेफ्ट ओवरी। ओवरीज लेडीज में पाई जाती है, जेंट्स में टेस्टिस होते हैं। और इधर अगर हम देखें तो ये होता है थायमिन पॉइंट, फॉलिक एसिड और इधर होता है नियासिन, विटामिन B12। और राइट साइड में ये वाला जो पार्ट्स है यहां होता है अल्कली और यह होता है एसिड। न्यूरोथेरेपी इन सब पॉइंट्स पर वर्क करती है। अगर हमने पेशेंट को डायग्नोस किया और हमने पाया कि उसके पैनक्रियास पॉइंट में दर्द है तो पैनक्रियास के दर्द को निकालने से उसकी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी को हमने जब चेक किया पेन पॉइंट्स दवाई पेशेंट के और हमने पाया कि उसको लीवर पॉइंट में दर्द है तो लीवर पॉइंट के दर्द को निकालकर हम बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो आइए आगे जानेंगे हम पेशेंट के ऊपर कैसे हम चेक करेंगे और कैसे हम दर्द को निकालकर डायग्नोस करके उसका उचित ट्रीटमेंट करते हैं। आइए हम अब पेशेंट के ऊपर डायग्नोस्टिक पॉइंट सीखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स कहां कहां पर चेक करते हैं। ये होता है थायराइड पॉइंट, इधर होता है थाइमस पॉइंट जहां ये रिब्स आकर मिलती है, जहां वी शेप बनती है यहां होता है पैनक्रियास पॉइंट। पैनक्रियास से साइड में इधर अगर हम आ जाएं तो ये होता है गॉल ब्लैडर पॉइंट, इधर होता है स्प्लीन, थोड़ा सा अगर हम इधर आ जाएं तो राइट साइड में होगा लीवर पॉइंट, नाभि से थोड़ा सा ऊपर की साइड इधर होता है म्यूकस पॉइंट, ये होती है नेवल, नेवल से थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये होता है WD, इधर थोड़ा सा साइड वाली इधर नाभि से राइट साइड में ये वाला जो पॉइंट है ये होता है डिसेंट्री पॉइंट और इधर लेफ्ट साइड होता है कॉन्स्टिपेशन पॉइंट। थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो ये होता है राइट ओवरी, ये होता है लेफ्ट ओवरी, अगर जेंट्स है तो ये होते हैं टेस्टिस पॉइंट, लेडीज में हम बोलेंगे ओवरी पॉइंट। और नाभि से थोड़ा नीचे अगर हम आ जाए तो WD पॉइंट, यानी कि अगर लोअर एब्डोमेन के में कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रोस्टेट है या हर्निया है तो उसको इस पॉइंट में पेन होगा, फिर हम उचित ट्रीटमेंट देकर उसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम आ जाएं राइट साइड ये वाला पॉइंट, इधर जहां ये बोन्स है तो ये होता है फॉलिक एसिड पॉइंट, इधर थायमिन, ऐसे ही विटामिन B12 इधर और इधर नियासिन पॉइंट। अगर हमने पेशेंट को चेक करने पर ये पाया कि इसको मान लीजिए पैनक्रियास पॉइंट में दर्द है या उसको लीवर पॉइंट में दर्द है तो हम उसके इस पॉइंट को चेक करने से उसकी बीमारी को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर उसको मान लीजिए पैनक्रियास में दर्द है तो पैनक्रियास पॉइंट देकर, जब हम पैनक्रियास पॉइंट देंगे तो हम यहाँ के दर्द को ठीक कर सकते हैं और उसकी बीमारी को केवल इस दर्द को निकालने से काफी हद तक हम ठीक कर पाएंगे।